हेलो राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और होली का सीज़न चल रहा है, यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये देखिए कितनी स्पीड में मैं, ये स्पीड हमने लगाई नहीं है, ये मैं अपने हाथों से इतनी स्पीड में मैं गाजर छीलती हूँ, क्रश करती हूँ। बहुत लोगों के पास चाकू होती है गाजर को क्रश करने वाली, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद छील के अच्छे से मैंने इसको धुल लिया, ताकि इसका जो मतलब जैसे थोड़ी बहुत बालूनी हो जाती है वो भी निकल जाएगी। देखिए अच्छे से हमने इसको धुल लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर कद्दूकस से घिस लिए, और एक एक इसका तार अलग अलग है, गिन लोगे ऐसा, एक एक तार इसका अलग अलग है। गाजर का ऐसे ही खिले खिले होने चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चाय भी बना रही थी, क्योंकि चाय ना हो तो फिर दिन बेकार है। सुबह सुबह ये मैं बता रही थी कि अब ये पतला वाला इधर मोटा वाला, तो मैंने मोटे वाले से क्रश किया था गाजर को, तब जाके ये इतने मोटे मोटे थे, लग अच्छे थोड़ा सा। और ये इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, अच्छे से मैं पूरी गाजर को डुबा दूंगी पानी में। अच्छे से मैंने डुबा दिया है। और यहाँ पे एक बात और हो गई कि जब मैं इसको अब सोचती हूँ कि मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँ, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई। उसके बाद गाजर तो बॉईल हो गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध का खोया बना रहे थे, बस क्योंकि थोड़ी गाजर है तो थोड़ा सा खोया। और ये देखिए ये हमने अच्छे से यहाँ से ठंडी कर ली थी, और अभी भी देखिए हमने इसको पानी में बॉईल कर लिया, तब पर भी इसका तार एक एक अलग अलग है। और आप ऐसे बनाएंगे ना, और पता है मैंने थोड़ा सा इसमें पानी में घी भी डाला था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। और ये मेरा खोया बन गया था, तो मैं इसमें ऐसे डेकोरेट कर रही थी। ये देखिए गाजर से, देखिए एक एक तार इसका अलग अलग है ना गाजर का, और बहुत ही सुंदर लग रहा था दिखने में। और जब ये बन के रेडी हुआ था ना, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, ये समझो बन के पूरा रेडी ही है। ये देखिए बन के एकदम रेडी हो चुका था, और ये हम देने जा रहे थे अपने लड्डू गोपाल को। इसलिए मैंने वीडियो बंद नहीं की, मैं लेकर ही जा रही थी। और हम आ गए अपने लाला के पास। ये देखिए हम आ गए अपने लल्ला के पास गाजर का हलवा लेके, और बहुत ही पसंद है, प्यार से बनाओ ना तो कन्हैया सारी चीज़ें खा लेता है, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।